कुशेश्वर स्थान थाने में घुसा बाढ़ का पानी, पुलिसकर्मी की बड़ी परेशानी, लगे हैं फाइलों को बचाने में। नेपाल की तराई में हो रही बारिश की वजह से जिले की ज़्यादातर नदियां उफान पर हैं। कमला कोसी और अधवारा समूह की नदियों में उफान की वजह से कुशेश्वर पूर्वी प्रखंड पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। अब बाढ़ के पानी कुशेश्वर बाजार स्थित थाने में भी प्रवेश कर गया है। बाढ़ का पानी थाने में घुसने की वजह से पुलिसकर्मी फाइलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल फाइलों को निकालकर ऊंचे स्थान पर रखा जा रहा है। पानी 2 से 3 फीट तक लगा है। पानी के कारण थाने में तैनात पुलिसकर्मी और वहां आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही। आप अभी थाना पे आए हैं, क्या कोई काम था? हाँ, काम करवाने आए हैं। तो कैसे आए थाना में आप? अरे पुराना थाना है, सब साल इसी तरह बाढ़ आता है और बाढ़ में घुस के काम करवाना पड़ता है। जितना भी यहाँ के स्टाफ है सब ऊपर जाके अपना टेबल कुर्सी लगा के बैठे रहते हैं। आप लोग पानी से ही आते जाते हैं? हाँ, क्या करें, समस्या तो है ही, और आज का नहीं, हर एक साल का समस्या। फिलहाल कार्यालय कामकाज दूसरी जगहों पर सुचारू रूप से किया जा रहा है। गौरतलब है कि दरभंगा ज़िले के 18 प्रखंडों में से 7 प्रखंडों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया गया है। इनमें कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जहां के अधिकतर गांवों का सड़क से संपर्क टूट चुका है। लोग नाव के सहारे ही आवागमन कर पा रहे हैं।